नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। नगर निकाय चुनाव के समाप्त होते ही अब समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सपा नेता ने लगाया है सपा विधायक पर गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और समाजसेवी विवेक सिंह सम्मी ने जिला पंचायत सभागार में प्रेसवार्ता करके सपा के सदस्य विधायक जयकिशन साहू पर गंभीर आरोप लगाया है। इस प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में उनके समर्थक सपा से इस्तीफा भी दिए। सम्मी ने पत्रकारों को बताया कि लगभग 350 लोगों ने विधायक जयकिशन साहू के रवैये से आक्रोशित होकर सपा से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से अधिकांश लोग आए हुए हैं और बाकी लोगों ने फोन से पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि इस मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को वापिस से जिताने के लिए आदरणीय साहू जी के द्वारा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है शिक्षणेतर कर्मचारी परिषद PG कॉलेज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ये पोस्टर किस लिए लगा था क्या था जो ये लोग खुद आपको बताएंगे, आप लोग पूछेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं। कल संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव उसको लेकर के आज यहां आयोजित की गई है। साथियों, जैसा कि आप अगले 5 सालों के लिए नगरपालिका परिषद में कायम हो चुका है, चार दिया था और मेरा यह कहना था कि जब तक सदर के विधायक माननीय जयकिशन साहू जी विधानसभा के सदस्य रहेंगे तब तक मेरा कोई समाजवादी पार्टी में काम नहीं है। आज उस बात को लेकर के जो विगत पखवाड़े समाजवादी पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया था, मेरे द्वारा 350 लोगों को नगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी, लेकिन मेरे इस्तीफा देने के बाद हमारे द्वारा बनाए गए सभी सदस्यों का एक मत था कि वो सब हमारे साथ हैं और जो सभासद से लेकर के चेयरमैन तक के टिकट में समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा जो धांधली की गई है, मारपीट की गई है समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ टिकट वितरण के दौरान, उसको लेकर के 7 सालों तक काम किया, समाजवादी पार्टी को नगरपालिका क्षेत्र में एक नई बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया, जो आजादी के बाद कभी समाजवादी पार्टी वोट नहीं पाई थी, 2017 के चुनाव में हमने उसको वोट दिलवाने का काम किया। लेकिन जो सदर के विधायक हैं, उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी का सौदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथों, जिसके चलते आज समाजवादी पार्टी शर्मनाक तरीके से नगर निकाय के चुनाव में हारी है। इसके विरोध में आज हम सभी लोग समाजवादी पार्टी से जयकिशन साहू के विधानसभा के सदस्य रहने तक समाजवादी पार्टी में काम करने के इच्छुक नहीं है और आगे हम लोग देखेंगे कि क्या रवैया रहता है, उस हिसाब से हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। ऐसे में कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? आज मौके पर 60-70 लोग उपलब्ध है, चूंकि संडे था, सबको काम था, लेकिन जितने भी लोगों को मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी उन सारे लोगों ने एक साथ ये इच्छा जताई कि जब आप समाजवादी पार्टी में जयकिशन साहू जी के रहने तक काम नहीं करेंगे तो हम लोग भी समाजवादी पार्टी में उनके विधायक रहने तक काम नहीं करेंगे। ऐसे में आखिर क्यों कार्यालय पर मारपीट हुई उनके बाद, उसका नतीजा है या कोई और है? कार्यालय पर मारपीट नहीं हुई है, कार्यालय पे तो मारपीट जो टिकटार्थी थे उनके साथ जयकिशन साहू जी के लोगों ने और उनके सरकारी गनर ने की है,
ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन मामला यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने गाजीपुर की सीट को बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को, अपने निजी स्वार्थ में पार्टी हित को पीछे रखते हुए और अपने स्वार्थ को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए टिकट वितरण में चपरासी तक बनने की बात कह डाली और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी को धमकी तक दे डाली कि वो पार्टी का काम नहीं करेंगे अगर उनके हिसाब से टिकट वितरण नहीं होगा। तो उनका टिकट वितरण इच्छा नहीं था, कमजोर प्रत्याशी देना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना उनका प्रमुख एजेंडा था। आपने कंडीशनल इस्तीफा दिया कि उनके रहने तक इंजेक्शन साहू के, लेकिन समाजवादी पार्टी से मोह भंग किया, सपा के पास ऐसा कोई नहीं। समाजवादी पार्टी से मेरा मोह भंग नहीं है, समाजवादी पार्टी मेरी विचारधारा सेकुलर है और मैं सेकुलर विचारधारा, मेरे नाना जी विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, वो कांग्रेस से थे। मेरा यह मानना है कि जिस पार्टी का विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता हो, जिसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जाए, तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट बन के समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है उसके साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने किसी भी विधायक